जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कुमार और आप सब हैं हमारे साथ एक फाइनेंशियल प्लानिंग की तैयारी में। इस फाइनेंशियल प्लानिंग की तैयारी में हम लोग इस वीडियो में समझेंगे विजय सागर फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड कंपनी के बारे में, समझेंगे कि यह स्टॉक कैसा है, क्योंकि फाइनेंस के सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है तो इसके ऊपर वीडियो बनाना काफी जरूरी हो जाता है इस तरह के जो इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है। और चूंकि पेनी स्टॉक है तो पेनी स्टॉक पर हमारी खास नजर होती है, क्योंकि पेनी स्टॉक बहुत कम समय में आपको एक अच्छा रिटर्न देने का, एक मल्टीपल रिटर्न देने का दमखम रखते हैं, बजाय जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जो काफी बढ़ चुके हैं, जो ऑलरेडी रिटर्न्स दे चुके हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे विजय सागर फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का कंप्लीट, हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे आपको, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस से लेकर कंपनी का काम धाम, कहाँ पे इसको बाय करना है, कहाँ पे हेजिंग करना है, अगर आपके पास पहले से शेयर है तो क्या करने की जरूरत है, इसको समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर जब आप इस स्टॉक को देखते हैं विजय सागर फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड को, तो पाएंगे कि इस स्टॉक में कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, ना तो स्टॉक ईएसएम ना ही जीएसएम के कैटेगरी में है, यानी कि जो सबसे मेजर तनाव होता है हम जब किसी छोटे स्टॉक को देखते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से, तो उस तरह के तनाव से स्टॉक बाहर है। और आपको नोटिफिकेशन में एक बहुत ही अच्छा अपडेट देखने को मिलेगा कि इसमें इसका जो वॉल्यूम है आपको 1.40 तकरीबन डेढ़ गुना, आप मान लीजिए कि इस स्टॉक का जो वॉल्यूम है डेढ़ गुना आपको बढ़ते हुए दिखाई, मतलब किसी स्टॉक का वॉल्यूम इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि जो नए नए बायर्स हैं वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, नए नए बायर्स आ रहे हैं, और जब नए बायर्स आते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूम बढ़ता है तो क्या होता है, जो कंपनी का शेयर प्राइस होता है वो ऊपर जाने के लिए रेडी होता है। मैं चार्ट पर भी आपको इस चीज को दिखाऊंगा। कमाल का ये फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है, समय समय पर इसमें कॉर्पोरेट एक्शन भी होते रहते हैं, कॉर्पोरेट एक्शन देखेंगे तो लगातार इस स्टॉक में, मतलब आप 2022 में तो बहुत ही ज्यादा कॉर्पोरेट एक्शन हुआ थे, इसमें राइट इशू आया था, बोनस आया था, उसके पहले 2021 में भी हुआ था, एजीएम का जो मीटिंग हुआ था, और समय समय पर कंपनी आपको डिविडेंड भी देते हुए नजर आती है। तो इस तरह के स्टॉक्स में जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको मॉनिटरिंग करते रहना। देखिए विजय सागर फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड जो कंपनी है, जिसके यदि काम की बात करें, जैसे मैंने शुरू में बताया कि फाइनेंस का सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, और ये एक एनबीएफसी कंपनी, एनबीएफसी कंपनी का मतलब होता है जो बैंक की तरफ कामकाज करती है, लोन वगैरह प्रोवाइड करती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिनको कहते हैं। और ये देखिए जो एनबीएफसी कंपनी है ना, इन दिनों इनका प्रचलन, इन दिनों के आप पिछले एक दो सालों से देखें तो काफी तेजी से इनका प्रचलन बढ़ा है, क्योंकि लोन देने के मामले में बैंक से ये जो एनबीएफसी है ये इनका चलन काफी बढ़ा है, क्योंकि इजिली यहाँ पर लोन मिल जाता है, और ऐसे जो डिफॉल्टर्स होते हैं जो बैंक जिनको लोन नहीं देगी वो भी यहां से इजीली लोन प्राप्त कर सकते हैं, तो इसलिए ये एक अच्छा जरिया बन गया है लोन लेने का, जिस वजह से मार्केट में काफी प्रसिद्ध है आज के एनबीएफसी। तो विजय सागर फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड भी उनमें से एक है। अब काम काफी बढ़िया है, काम के बेसिस पर लॉन्ग टर्म में तेजी बनी रहेगी आपके पास ये स्टॉक से, तो होल्ड करके आप चल सकते हैं। मैं आगे भी चार्ट पर आपको डिटेल में बताऊंगा मैं क्यों कह रहा हूं। तकरीबन 50 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है, और चूंकि शेयर प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा तो कंपनी का मार्केट कैप भी आपको बढ़ते हुए दिखेगा। शेयर प्राइस देखेंगे तो बुक वैल्यू से कम है, हालांकि जिसमें बताया शेयर प्राइस बढ़ेगा तो बुक वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में ये एक चिंता की बात जरूर है, रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस नहीं होना चाहिए, ये प्लस में होना चाहिए, ताकि आपके इन्वेस्टमेंट पर जो भी रिटर्न मिले वो प्लस में मिले, हालांकि नेगेटिव में तो रिटर्न नहीं मिलेगा। शेयर के प्राइस नीचे जाने से आपको अगर ऊपर लेवल बाई करके फंसे तो थोड़ा परेशानी जरूर हो सकता है। एक साल के चार्ट पर जो आप देखेंगे इस स्टॉक को, तो एक साल के चार्ट पर देखिए पिछले साल से देखेंगे सितंबर अगस्त से, तो अभी उस समय से लेकर अभी तक ये स्टॉक एक रेंज बाउंड में आपको फंसा हुआ है, हालांकि और भी नीचे आ गया था लेकिन रिकवर करके प्राइस ऊपर आया, इससे के भी ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को प्राइस पार नहीं कर पाया और फिर से इसी रेंज में आकर ट्रेड करने लगा है। अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस अपने एकदम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास यहाँ पे देखेंगे तो आके ये समय बिता रहा है, और यहाँ पे समय बिता रहा है, समय बिता के प्राइस इस जो रेजिस्टेंस यहाँ पे ऊपर लेवल को टच करेगा, टच करके यहाँ पे समय बिता के प्राइस ऊपर निकलेगा, क्योंकि काफी समय से रेंज बाउंड में फंसा हुआ है, तो बहुत समय तक किसी भी स्टॉक का प्राइस रेंज बाउंड में नहीं रहता है, उससे बाहर निकलता है, तो इसका समय आ गया है बाहर निकलने का। बाहर निकलेगा तो ये जो प्रीवियस हाई देख रहे हैं, हालांकि इसको तो इस बार इजीली पार कर देगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी देखेंगे तो एक आध बार ट्राई कर चुका है, दूसरी बार ट्राई करेगा, और तीसरी बार में तो निकाल देता है, लेकिन तीसरी बार से पहले ही दूसरी बार में सेकंड बार में इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा, और प्राइस आपको इसके डबल, ये जो 1.30 रुपए का हाई लगा है, तकरीबन आप मान सकते हैं 3 रुपए तक यहाँ से इस कंपनी का शेयर प्राइस इजीली आपको जाते हुए दिखेगा जैसे इस रेंज से बाहर निकलेगा। तो आपके पास यदि स्टॉक है आपके पास तो 3 से 4 रुपए 5 रुपए तक के लिए शॉर्ट टर्म में बात कर रहा हूँ यहाँ तक ले जा सकते हैं, बाकी लॉन्ग टर्म का यदि आपका विजन है तो विजय सागर फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड जो कंपनी है इसको आप होल्ड करके चल सकते हैं। कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर देखेंगे तो कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर जो मार्च क्वार्टर में रिजल्ट आया है, जबरदस्त कंपनी का सेल्स हुआ है, ट्रिपल डिजिट में कभी भी कंपनी का आप देखेंगे तो सेल्स नहीं हुआ था, इस बार कंपनी का सेल्स ट्रिपल डिजिट में हुआ है, 140 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स गया है, काफी बढ़िया बात है। हालांकि चिंता की बात यह है कि इतने सेल्स बढ़ने के बाद जो कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट आपको माइनस में दिखेगा, नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ा है, क्योंकि कंपनी के पास थोड़े बहुत कर्जे भी हैं और उस कर्जे को भी कंपनी को चुकाना है, तो सेल्स से यदि कुछ पैसा आ रहा है तो
कंपनी उसको सही जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रही है। एक बार कर्ज जब फ्री हो जाए तो उसके बाद कंपनी का जो पोर्टफोलियो प्लस में आ जाएगा। तो विजय सागर फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के बारे में यही कहना है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो इसको होल्ड करके चल सकते हैं। नया व्यक्ति अभी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से अभी जब तक रेंज बाउंड में प्राइस फंसा हुआ है वो सही नहीं है। आप थोड़ा इससे बाहर निकलने दीजिए, शेयर में थोड़ा तेजी आने दीजिए, उसके बाद मैं फिर अपडेट दूंगा, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। मन में कोई सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।